हेलो स्टूडेंट, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को कवर कर रहे थे। हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर की रिएक्शन मैकेनिज्म को कवर कर रहे हैं। हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में बहुत सारी रिएक्शन मैकेनिज्म को कवर कर लिया है। आज हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म को कवर करेंगे, नोबल जेल रिएक्शन। नोबल जेल रिएक्शन क्या होती है? ये जो रिएक्शन है, सबसे पहली बात है, ये जो रिएक्शन है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट होती है। इसकी मैकेनिज्म भी आपके एग्जाम में आया करते हैं, लिखने को आया करते हैं ना। तो आप जरा समझेंगे एक ही चीज़ को ध्यान से। इसमें देखो, इसमें क्या होता है, बेंजल्डिहाइड रिएक्शन करता है ऐसे कंपाउंड से जिसके पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है। फिर से सुने, बेंजल्डिहाइड रिएक्शन करता है ऐसे कंपाउंड से जिसके पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हुआ करता है। अभी हम बताएंगे ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है ना। अब जैसे इसके पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, ऑर्गेनिक बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। किसके प्रेजेंस में? ऑर्गेनिक बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, एक कंपाउंड बनेगा, उसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करते हैं, जो भी कंपाउंड बनता है उसे हीट कर देते हैं। ये जो कंपाउंड बना है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो बना है उसे हीट करते हैं। यहां से CO2 निकलता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों आ गया, देखो जरा, ये तो ग्रुप है, ये COOH ग्रुप क्या है, ये आपका ग्रुप है, COOH ग्रुप है आपका। इस ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है और अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ क्या कार्बन है, बीटा कार्बन है। अल्फा और बीटा के बीच में अनसैचुरेशन है। देखो अल्फा और बीटा के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए मैंने इसे बोला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, अल्फा और बीटा के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम होता है सिनेमिक एसिड। क्या नाम होता है इसका, सिनेमिक एसिड। फिर से सुनो एक बार रिएक्शन को, बेंजल्डिहाइड रिएक्शन करेगा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप रखने वाले कंपाउंड से, रिएक्शन करेगा जो बनेगा उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को जैसे ही हीट करते हैं तो CO2 रिमूव होता है, ये CO2 रिमूव होता है, H यहाँ पे शिफ्ट होता है और बन जाता है आपका सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। एक बार अब रिएक्शन को ध्यान से समझेंगे। देखो जरा, तो बेंजल्डिहाइड है, ये डाइइथाइल मेलोनेट है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, डाइइथाइल मेलोनेट है। इसके पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, CH2C जो है आपका, CH2 जो है आपका, वो आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। अब ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है, चलो समझे ध्यान से। सबसे पहले मिथाइलिन ग्रुप ये होता है, CH2 ग्रुप जो होता है वो आपका मिथाइलिन ग्रुप होता है। अगर मिथाइलिन ग्रुप से कोई दो ऐसे ग्रुप लग जाए जो इलेक्ट्रॉन को विड्रा करें, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो उसे अपनी ओर खींचे, तो वो जो ग्रुप बन जाता है, ये जो ग्रुप बन जाता है उसे बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। फिर से सुने ध्यान से, अगर CH2 ग्रुप से दो ऐसे ग्रुप लग जाए, यदि मिथाइलिन ग्रुप से कोई दो ऐसे ग्रुप लग जाए जो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचे, ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रा कर रहे हैं, CH2 से इलेक्ट्रॉन को विड्रा कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाए और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के साथ साथ ये जो हाइड्रोजन है मिथाइलिन ग्रुप की, जो हाइड्रोजन है H2 H+ के फॉर्म में निकलने की टेंडेंसी रखे, उसे बोला करते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। क्या बोलते हैं, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए, जरा बताओ क्या ये जो मिथाइलिन ग्रुप है ये वाला, क्या एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, तो आप कहेंगे नहीं सर, ये तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि CH3 ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं इस ग्रुप पर, तो यहां से CH2 से H+ नहीं निकलेगा। अगर आपसे ये कुछ बोला जाए, आपसे ऐसा कुछ बोला जाए कि सर बताइए जरा ये क्या एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होगा, तो आप कहेंगे नहीं सर, यहां ये तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है, अगर आपसे क्या पूछा जाए, जरा ये बताइए सर ये क्या करेगा, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है या नहीं है, तो देखो जरा, CN जो होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है CH2 से, विड्रा करता है CH2 से, तो यहां से H+ निकलने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो ये CH2 जो होगा वो आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होगा और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से ही H+ निकलने की टेंडेंसी रहेगी, है ना। अगर आपसे ये कहा जाए, बताओ जरा ये जो ग्रुप होगा क्या एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होगा, आपसे ऐसा कुछ कहा जाए, तो आप कहेंगे हाँ सर ये तो होगा, CH2 तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होगा, क्योंकि ये दोनों ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, ये CH2 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत कम कर देते हैं, जिसकी वजह से H+ यहाँ पे जो H है वो H+ निकल H+ के फॉर्म में निकलने की टेंडेंसी रखते हैं।
तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है, जो H+ के फॉर्म में, ऐसा मिथाइलिन ग्रुप जो H+ के फॉर्म में निकलने की टेंडेंसी रखे। कैसे पहचानेंगे, अगर मिथाइलिन ग्रुप से दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो तो वो जो मिथाइलिन ग्रुप होता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हुआ करता है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ में आ गया कि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होते हैं, और अगर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप समझ में आ गया तो ऐसे कंपाउंड जिनमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हुआ करता है उन्हें बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन कंटेनिंग कंपाउंड, है ना। ऐसे कंपाउंड जिनमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हुआ करता है उसे क्या बोलते हैं, एक्टिव मिथाइलिन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। चलिए इसे हम मिटा देते हैं ना, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो जरा, हमने एक ऐसा कंपाउंड लिया डाई इथाइल मेलोनेट जिस पर क्या है, जिस पर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड की रिएक्शन हम करा रहे हैं ऑर्गेनिक बेस की प्रेजेंस में। ये टर्सरी बेस भी हो सकता है और सेकेंडरी बेस भी हो सकता है, जैसे पाइडीन हुआ आपका टर्सरी बेस, है ना। तो डाई इथाइल मेलोनेट से रिएक्शन करा रहे हैं बेंजल्डिहाइड की। तो हमने क्या किया, एक्टिव मिथाइलिन की दोनों हाइड्रोजन को उसे, अभी सिर्फ रिएक्शन को समझना, उसके बाद मैकेनिज्म समझेंगे, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन को O के साथ रिएक्शन करा दिया, H2 निकल गया, और ये देखो CH जो होगा डबल बॉन्ड C के साथ जुड़ेगा। देखो CH जो होगा डबल बॉन्ड C के साथ जुड़ेगा, ठीक है। H2 निकलने के बाद CH डबल बॉन्ड C के साथ जुड़ गया। उसके बाद क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। देखो ये एस्टर तो है, देखो एस्टर है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिल कैसे बनेगा, इस तरीके से ब्रेक हो गई है, है ना। H2 कैसे ब्रेक होता है, H+ और OH-, H+ कहां जाएगा, इसके पास, यहां पे पॉजिटिव होगा। ऑक्सीजन और कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनिटी हाई है, ऑक्सीजन की ना, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ऑक्सीजन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। H+ कहाँ जाएगा, इस नेगेटिव के पास। OH- कहाँ जाएगा, इस पॉजिटिव के पास, ठीक है। तो C2H5OH निकल जाएगा। OH- कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास। इस कार्बन के पास जाएगा तो क्या COOH हो जाएगा, COOH हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को जैसे ही हम लोग हीट करते हैं तो CO2 रिमूव हो जाता है। अगर वैसे भी आपको पता है, अगर एक ही कार्बन पर दो COOH ग्रुप होते हैं वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल हुआ करते हैं। अगर हीट करते हैं स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, ये CO2 अपने आप से निकाल देते हैं। यहाँ से CO2 निकल जाता है, H यहाँ पर सेट हो जाता है, क्या बनेगा, CH3COOH बनेगा, है ना। तो आप याद रखिए, अगर एक ही कार्बन पर दो COOH होते हैं वो अनस्टेबल हुआ करते हैं हीट करने पर, वहाँ से CO2 रिमूव हो जाता है। देखो एक ही कार्बन पर दो COOH है, जैसे हीट करेंगे तो CO2 रिमूव हो जाएगा। CO2 रिमूव हो गया, H जो बचा हुआ है वो यहाँ पर सेट हो जाता है, यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो बेंजीन है, बेंजीन रिंग है, CH है, CH है, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड ये H यहाँ पे आ जाएगा, CH हो जाएगा, COOH हो जाएगा। ये वाला इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है ना। तो ये जो बनता है इस पर्टिकुलर कंपाउंड का, इस पर्टिकुलर एसिड का नाम होता है सिनेमिक एसिड। क्या है आपका, सिनेमिक एसिड। इस सिनेमिक एसिड में देखेंगे तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए इसे बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपको रिएक्शन तो समझ में आ गई होगी, ठीक है, रिएक्शन आपने समझ ली होगी। अब हम चलते हैं इसकी मैकेनिज्म पर। मैकेनिज्म बहुत बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को तो मिटा देते हैं, हम लोग मैकेनिज्म को समझेंगे। मेरी बात समझना ध्यान से एक बार, मैकेनिज्म में करेंगे क्या, इसमें रिएक्शन में क्या है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, है ना। नोट कर लेंगे तो हम जब रिएक्शन समझाएंगे तो अच्छे समझ आएगी, क्योंकि हमें इसे मिटाना ही पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन बहुत बड़ी होती है ना। देखो जरा, इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ऑर्गेनिक बेस और डाइथाइल मेलोनेट से, ऑर्गेनिक बेस और डाइमिथाइल मेलोनेट की रिएक्शन से हम लोग कार्बेनाइन बनाएंगे, और कार्बेनाइन पर क्या करेंगे, बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर अटैक करेंगे। चलिए हम इसे मिटाते हैं और उसके बाद इसकी मैकेनिज्म करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया है, जो हमने अभी पूरी रिएक्शन को समझाया था उसे मैंने सिर्फ एक स्टेप पे लिख दिया, ठीक है। अभी मैंने पूरी रिएक्शन समझाई थी आपको, कैसे हुई रिएक्शन, ठीक है। अब इसकी हम लोग मैकेनिज्म को देखेंगे, जो भी अभी मैंने पूरी रिएक्शन समझाई है वो कैसे होती है, इसकी मैकेनिज्म को जरा समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म को समझेगा। अगर आपके एग्जाम में आपको लिखनी होती है नोबल जेट रिएक्शन की मैकेनिज्म, तो जैसे हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं वैसे लिख दीजिएगा, ठीक है। देखो जरा, स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है कार्बेनाइन का, तो आप लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन। कार्बेनाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है जरा समझिएगा, है ना। देखो जरा, ऑर्गेनिक बेस है ना, ऑर्गेनिक टर्सरी बेस है, सेकेंडरी बेस भी हो सकता है, हमने टर्सरी बेस ले लिया, ऑर्गेनिक टर्सरी बेस है, जैसे पायडीन हुआ तो हमने टर्सरी बेस लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ऑर्गेनिक टर्सरी बेस जो होता है वो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड से रिएक्शन करता है। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड यहाँ पे क्या है, डाई इथाइल मेलोनेट है, इसके पास एक्टिव ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, डाईथाइल मेलोनेट है, ठीक। यहां से क्या होगा, मैंने बताया था एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या हुआ करता है, जो H+ दे सकता है। ये क्या
क्या कर सकता है, H प्लस दे सकता है, यहाँ पे H प्लस होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, ये H प्लस दे सकता है, H प्लस कहाँ अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर ले जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, तो ये H प्लस दे सकता है तो यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसे इस तरीके से शो कीजिएगा, ठीक है, मैंने आपको समझाया था। तो होगा क्या, देखो जरा क्या होगा, आर थ्री ये यहाँ से जो एच प्लस निकलेगा वो कहाँ अटैक करेगा, टर्सी एमिन पे ना, टर्सी एमिन के लॉन्ग पेयर पर, तो आर थ्री एन प्लस हो जाएगा और एच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बन जाएगा, कार्बन पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्या बनेगा, सी एच नेगेटिव आ गया, उसके बाद सी ओ आ गया, ये आपका कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो गया, ये बना आपका कार्बन आयन बना। अब ये जो कार्बन आयन होगा वो बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, किस पर अटैक करेगा, बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, जब समझने की कोशिश करना ध्यान से, देखो चलो दूसरे स्टेप में क्या लिखेंगे, अटैक ऑफ कार्बन आयन, अटैक ऑफ कार्बन आयन ऑन बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल, ऑन बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल लिखा है, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा सही से। तो बेंजाल्डिहाइड आपका है ये बेंजाल्डिहाइड है, अब ये अटैक करेगा कार्बन आयन इस पर, बेंजाल्डिहाइड पर। ऐसी रिएक्शन आपने बहुत ज्यादा कवर किए इस चैप्टर में, देखो चल बॉन्ड ब्रेकिंग पता है आपको, यहां पे नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, यहां पे जो नेगेटिव होगा वो कहां अटैक करेगा, इस पर पॉजिटिव पे ना, कार्बन पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो जैसे ही अटैक करता है, जब समझिएगा ध्यान से, तो क्या बनेगा, ये आपका बेंजीन है, सी एच है, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ऑक्सीजन में नेगेटिव, उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये जो सी एच नेगेटिव होगा वो किससे जुड़ेगा, कार्बन से जुड़ेगा जाके, है ना, तो क्या बनेगा आपका सी एच होगा, है ना, ये जो सी एच होगा वो किससे जुड़ेगा, कार्बन से, ठीक है, क्योंकि कार्बन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पता है आपको। उसका सी ओ है ओ सी टू एच फाइव, सी ओ ओ सी टू एच फाइव है, ये आपका ऑक्सी एनाइन बन गया, क्या बना आपका, ऑक्सी एनाइन बना, ये इसका नाम क्या है आपका, ऑक्सी एनाइन है, ऑक्सी एनाइन, ठीक। अब ये ऑक्सी एनाइन का हम लोग प्रोटोनेशन करते थे, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, ऑक्सी एनाइन का क्या करेंगे, प्रोटोनेशन करेंगे, जैसे हम लोग बोले परकिन रिएक्शन में किया था, है ना, अगर नहीं देखिए तो जरा समझे ध्यान से, आप लोग लिख लीजिएगा, चलो हम लिख देते हैं, प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सी एनाइन, प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सी एनाइन, ये आपका ऑक्सीजन बनाया, उसका क्या कर देंगे, थर्ड स्टेप में प्रोटोनेशन कर देंगे, प्रोटोनेशन कर देंगे, इसका प्रोटोनेशन करते हैं। अब ये प्रोटॉन कहां से आया, ये देखो प्रोटॉन है यहां पे, देखो H प्लस निकला था ना यहां पर, तो यहां से हम लोग प्रोटॉन ले लेते हैं, ये अटैक करेगा कहां पर, जहां पर इसे नेगेटिव मिलेगा, बताओ नेगेटिव कहां मिला, ये ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, यहां पे नेगेटिव कहां मिला, देखो यहां पे ऑक्सीजन में नेगेटिव है, तो देखो H प्लस यहां पे अटैक करेगा, है ना, H प्लस जब यहां पे अटैक करेगा तो देखो जरा क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनेगा, कुछ ये कंपाउंड बना आपका, ठीक है। अब देखो जरा, हमने जब रिएक्शन कराई थी तो ये जो कंपाउंड बनता है, ये जो आपका कंपाउंड बनता है, इसका क्या कर देंगे हम लोग, सबसे पहले जरा समझने की कोशिश करना, हम नीचे लिख रहे हैं आपका, है ना, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट करते हैं, लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा क्या, देखो जरा आपको इतना नीचे होगा दिख रहा है आपको, एक मिनट, नहीं दिख रहा आपको, ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसे मिटाते हैं, ठीक है।
अब हम लोग क्या करते हैं, इस स्टेप को जो लास्ट स्टेप है, फोर स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का, हम लोग यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने तीनों स्टेप कवर कर रखे हैं, यहाँ पे मैंने फोर्थ स्टेप लिख दिया क्योंकि मेरे पास नीचे जगह नहीं है, यहाँ पे आपको लोगों को दिख नहीं रहा है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कवर कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, ये जो मैंने कंपाउंड लिया है इसका हम लोग डिहाइड्रेशन कर देते हैं। देखो प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन किया है, आपको पता है एच प्लस कहाँ अटैक करता है, यहाँ पे अटैक करता है, ठीक है। ये एच प्लस है आपका, एच प्लस अटैक करता है, ये आपका कंपाउंड बना है, ठीक। ये जो कंपाउंड लिया है इसे हीट करते हैं, इससे जब हीट करते हैं तो इसका डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन में आपको पता होगा, जिस कार्बन से OH होता है उसके बगल वाले से H निकलता है, जिस कार्बन से OH होता है उसके बगल वाले से H निकलता है, जहां से H और OH निकलता है उनके बीच में क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है। जहां से H और OH निकलता है उनके बीच में क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है। मतलब कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनेगा, जैसे हमने हीट किया, हमने जो कंपाउंड बन रहा है हम इसे नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनेगा, सी एच डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी ओ ओ सी टू एच फाइव, ये बना आपका, है ना। ये जो कंपाउंड बना है, ये जो कंपाउंड बना है इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, आपको पता है रिएक्शन में मैंने हाइड्रोलिसिस किया था, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। एच टू कैसे ब्रेक होता है, एच प्लस, एच टू कैसे ब्रेक होता है, एच प्लस और OH माइनस। एच टू जब एच प्लस और OH माइनस में ब्रेक हुआ तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी कि एच प्लस जो होगा, देखो जरा H2 कैसे ब्रेक होगा, H+ और OH-, ठीक है। तो H+ प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ पे अगर नेगेटिव होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव H+ प्लस यहाँ पे जाएगा, OH- C पे जाएगा। अगर यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, H+ प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ पर OH- कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, थोड़ी सी हीट की प्रेजेंस में CO2 रिमूव हो जाता है, यहाँ से CO2 निकल जाएगा आपका, CO2 निकल गया और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। सिनेमिक एसिड CO2 निकल गया, CO2 निकल जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। CH COOH ये आपका सिनेमिक एसिड आ गया, क्या है आपका सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड है आपका, ठीक है। आपको दिख रहा है, हाँ ये तो दिख रहा है आपको। देखो चलो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक बार और रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से समझ लें, क्योंकि मैकेनिज्म थोड़ी बड़ी है, बड़े बड़े कंपाउंड हैं आप में, तो थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, है ना। चलिए देखिए, देखो यार रिएक्शन को तो मैंने अच्छे से समझा दिया था, ये आपकी फंडामेंटल रिएक्शन है जिसकी मुझे मैकेनिज्म करनी है। सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन कैसे करेंगे, जैसे ऑर्गेनिक बेस ले लिया, मैं टर्सी बेस ले लिया, अब यहाँ पर एक्टिव मिथाइलिंग ग्रुप से, एक्टिव मिथाइलिंग ग्रुप क्या होता है, जहाँ से H+ निकल सकता है, H+ यहाँ से निकल गया ईजिली, तो यहाँ पर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो कार्बन आयन बनाइए आपका, क्या है कार्बन आयन है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो कार्बन आयन होगा, ये कार्बन आयन किस पर अटैक करेगा, बेंजाइलेट मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। पता है आपको CH ग्रुप क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे जाएगा, ठीक। तो होगा क्या, ऑक्सीजन बनेगा, ये ऑक्सीजन आयन। अब ऑक्सीजन आयन का प्रोटोनेशन कर देंगे हम लोग, ऑक्सीजन आयन का जैसे हम लोग प्रोटोनेशन करेंगे, ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन कर दिया तो ओ एच प्लस जो होगा ओ माइनस से जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया आपका, एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो एस्टर का फॉर्मेशन हुआ है, डाई एस्टर का फॉर्मेशन हुआ है, इसका क्या करेंगे हम लोग, इसका डिहाइड्रेशन कर देते हैं। डिहाइड्रेशन में जिस कार्बन, डिहाइड्रेशन में क्या होगा, जिस कार्बन से OH निकलेगा उसके बगल वाले से H निकलेगा, यहाँ से OH, यहाँ से H, इनके बीच में क्या आया, डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब ये जो कंपाउंड बना है उसका क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये H3 तो है, COC COO C2H5 H3 तो है, ये आपका COR एस्टर होता है ना, एस्टर है ना, हाइड्रोलिसिस करेंगे। जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम, अगर एक ही कार्बन पर दो COOH ग्रुप हुआ करते हैं, जब हम इसे हीट किया करते हैं तो एक CO2 रिमूव हो जाता है और H यहाँ पे आ जाता है ना, पता है। तो क्या बना आपका, सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। इस तरीके से आप मैकेनिज्म को लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। अगर बाय द वे ये जो मैकेनिज्म है आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप क्या कीजिएगा, एक दो बार देखिएगा, पीछे करके एक दो बार, तीन बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। आपको इजीली समझ में आ ही जाएगी, एक दो बार देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक की प्रैक्टिस बहुत कीजिएगा, जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस करेंगे, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा जबरदस्त हो ही जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।